जिंदाबाद। वह नामली 1996 से लागू करो, लागू करो। वह नामली 1996 से लागू करो, लागू करो। सर मैं अजीत सिंह, नॉन कस्टर्ड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम। सर हमारा जो पी अनामली का मसला है, 1996 से आज तक सब हुकूमतों ने, जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने हमें लारे और वादे दिए और हमारे मसले को हल नहीं किया। अब मजबूर होकर आपके माध्यम से हम प्रोटेस्ट और धरने पर आए उतरे हैं। हमें ये खुद शोभा नहीं देता कि अब ओल्ड एज में, राइप एज में आकर प्रोटेस्ट करें, लेकिन फिर भी ये हम मजबूर होकर अपने हक के लिए लड़ना इंसान का ये धर्म बनता है। तो हम ये चाहते हैं कि भई अब हमारा पे अनामली का 1996 का मसला है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए और गवर्नर साहब के रूलिंग के टाइम अगर ये मसला हल होता है तो हमें ये बड़ी खुशी होगी कि गवर्नर साहब सबका काम करते हैं, तो हमें भी उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमारे मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये जो हम चाहते हैं कि पुलिस में जो हमारे बच्चों की रिजर्वेशन का मसला है, वहाँ पर या तो इस पुलिस रूल को टोटली कंडेम्ड किया जाए, या तो इसकी पुलिस रूल की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह पहले DGP साहबान अपने पावर में भर्ती करते थे उसी तरह की जाए, तो ये जो हमारे रिटायर पुलिस वाले हैं इनको इनका बनता हक मिले। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा साथ बेइंसाफी और नाइंसाफी है, इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और एक मसला और है, जो हमारे 7th पे कमीशन का मसला है, वहाँ पे AG ऑफिस में जो फार्म दिए हैं, आज 7 महीने से वहाँ पे फार्मों के ढेर लगे हैं और आज तक वो उस 7th पे कमीशन का बेनिफिट हमारे रिटायरीज को नहीं मिला और सब लोग बेचैनी के आलम में। हम चाहते हैं कि उसको AG साहब अपना पर्सनली इनिशिएटिव लेकर उस मसले को जल्द से जल्द हल करें और ताकि ये आने वाले दिनों में इनके हमारे रिटायरीज को राहत मिले।